अधिकारी वीपी उपाध्याय की काली करतूतों से वार्डवासी परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। मामला सिंगरौली बेढ़म का बताया जा रहा है, जहां पर समस्याओं को देखते हुए कई लोगों ने आवेदन व शिकायत पत्र लिखकर नगर निगम अधिकारियों कर्मचारियों को अवगत कराया है। अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अधिकारियों द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। कार्यपालन अधिकारी वीपी उपाध्याय को ठीक से बात करने तक का समय नहीं है, आम जनता को सिर्फ गुमराह करते हैं। गनियारी के शांति नगर में आंगनवाड़ी केंद्र में जाने हेतु नाला में गंदा पानी व गंदगी से होकर छोटे छोटे बच्चों को गुजरना पड़ता है, जिसकी शिकायत वार्ड वासियों ने कई बार की, लेकिन निगम के सभी अधिकारी अनजान बनकर चुप्पी साधे हुए हैं और आम लोगों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वार्ड वासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही चारों तरफ गंदगी और बदबू से जीना दुहाल हो गया है। नगर निगम कार्यपालन अधिकारी वीपी उपाध्याय की करतूतों से कई लोगों में आक्रोश है, लेकिन ये अधिकारी किसी की समस्याओं को समझना ही नहीं चाह रहे हैं। बताया गया कि जिले में काली कमाई कर करोड़ों की संपत्ति बनाने में लगे हुए हैं, जो लंबे समय से नगर निगम में भ्रष्टाचार फैलाने में मस्त है। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।